नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। पंजाब में धूम मचाने के बाद अब बॉलीवुड में अपना जलवा दिखा रहे हैं दलजीत दोसांझ। जी हाँ, उनकी फिल्म उड़ता पंजाब दर्शकों को बेहद पसंद आई। दलजीत दोसांझ अपने लुक्स और एक्टिंग के लिए काफी चर्चा में रहते हैं और अब एक बार फिर दलजीत दोसांझ हैं चर्चा में अपनी नई फिल्म सूरमा को लेकर। सूरमा का नया पोस्टर हो गया है रिलीज। ये स्पोर्ट्स पर बेस्ड फिल्म है जो भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी संदीप सिंह की जिंदगी पर बन रही है। फिल्म सूरमा में दलजीत संदीप सिंह के लीड किरदार में नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है शाद अली ने। ये फिल्म भी बायोपिक है। इसके फर्स्ट लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। सूरमा में फिल्म पिंक के एक्टर्स तापसी पन्नू और अंगद बेदी भी दलजीत के साथ नजर आएंगे। ये फिल्म 13 जुलाई को रिलीज होगी। भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह 2006 में दुर्घटनावश गोली लगने से घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद वो 2 साल के लिए लकवाग्रस्त हो गए थे और व्हीलचेयर पर निर्भर हो गए थे। गंभीर चोट से उभर कर संदीप सिंह की खेल के मैदान में वापसी की कहानी सूरमा में दिखाई गई है। फिल्म की टैगलाइन है द ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी ऑफ द हॉकी लीजेंड संदीप सिंह। निर्माताओं ने इससे पहले दिलजीत और संदीप की तस्वीरों के साथ एक मैसेज के साथ एक रिलीज किया था। सूरमा की ये तस्वीरें दलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तो देखना दिलचस्प होता है कि अब एक बार फिर दलजीत इस फिल्म के जरिए दोबारा दलजीतते नजर आते हैं या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।